नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है ज्ञान योग। साधक का जिस मार्ग से संबंध होता है उसी के अनुसार उसकी साधना का नाम होता है। ज्ञान के द्वारा सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति के मार्ग को ज्ञान योग कहा जाता है। वास्तव में उन सभी साधनाओं को जिनमें ज्ञान को माध्यम बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति की जाती है ज्ञान योग कहते हैं। गीता में सांख्य योग को भी ज्ञान योग कहा गया है। ज्ञान योग का प्रारंभ आत्मजिज्ञासा से होता है। इस संबंध में महर्षि अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योग अभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यम एकाकी रमती तु यह। अर्थात उसे ही ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त हुआ है जो तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकाकी रमण करता है। जिसने गहन आत्मजिज्ञासा से अपनी कल्पना, चिंतन एवं चित्तवृत्तियों को परिशोधित कर लिया है वही शुद्ध इंद्रिय वाला हो सकता है। ज्ञान योग को बौद्धिक क्रियाकलापों से जोड़ने पर इस उपलब्धि को पाना असंभव है। बुद्धि की सीमाओं से परे जाकर ही ज्ञान योग की साधना संभव होती है और तभी इसकी उपलब्धियां साधक के जीवन का अनुभव बनती है। ज्ञान साधना अर्थात अंतरात्मा के गहन स्तर में यह अनुभूति एवं आस्था उत्पन्न करते रहना कि हम सत चित आनंद परमात्मा के अविच्छिन्न अंग है। हमें पूर्णता प्राप्ति के लिए श्रेष्ठतम जीवन कर्म अपनाना है और जो उपलब्ध है उसे लोकहित के लिए प्रयुक्त करना है। ज्ञान साधना में निरत जागृत आत्मा संकीर्ण स्वार्थपरता की परिधि से परे हो जाती है। वह सबको अपने में और अपने में सबको देखती है। उसके चिंतन एवं कर्तव्य में व्यापक लोकहित की भावना काम करती है। ज्ञान साधना से बंधन मुक्त हुई आत्माओं की प्रत्येक विचारणा और प्रत्येक क्रिया पद्धति में मात्र आदर्शवादिता ही उभरती छलकती दिखाई पड़ती है। ऐसे लोग संकटग्रस्त और अभावग्रस्त हो सकते हैं पर अंतःकरण में उन्हें असीम आनंद और संतोष की अनुभूति सतत होते रहती है।
यही नित्य अनित्य वस्तु विवेक है। परिदृश्यमान जगत माया का कार्य होने के कारण उत्पत्ति व नाशवान है, इसीलिए अनित्य व मिथ्या है। ब्रह्म की सत्ता के बिना माया या प्रकृति नाम की कोई वस्तु सिद्ध नहीं हो सकती है, यह दार्शनिक सत्य है। विवेक सरिता के प्रवाह के सदृश गतिमान और शक्तिमान है। वह एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमारी समस्त शक्तियाँ उत्तरोत्तर सचेत और सतर्क बनती जाती है। विवेक युक्त अवस्था वही है जो हमें उच्चतम भूमिका पर लाकर जीवन की समस्याओं के हल करने का मार्ग प्रशस्त करे। इसीलिए प्रत्येक कार्य में विवेक की साधना उपयोग अत्यावश्यक है। हमारा मन इतना सचेत होना चाहिए कि किसी भी कोने में से आते हुए विचार प्रवाह को जान सके। हमारा हृदय इतना शुद्ध होना चाहिए कि भावों की सूक्ष्मतर लहरों का प्रत्युत्तर दे सके। और हमारी स्थूल इंद्रियां इतनी सुसंस्कृत होनी चाहिए कि स्थूल जगत के सूक्ष्म आंदोलनों को भी ग्रहण कर सके। अब हम वैराग्य के बारे में चर्चा करेंगे। विवेक के पश्चात वैराग्य आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यावश्यक होता है। वैराग्य उस स्थिति का नाम है जब मनुष्य किसी कार्य को करते हुए उसमें लिप्त नहीं होता, सतर्क रहकर जीवन का निरीक्षण करना विरक्ता अवस्था कहलाती है। यह निरपेक्षता ही वास्तव में वैराग्य है। वैराग्य यह लौकिक भोग ऐश्वर्यों से लेकर पारलौकिक दिव्य स्वर्गीय सुख भोगों को अनित्य क्षणभंगुर समझकर उनके प्रति भोगेच्छा का पूर्णतया परित्याग कर देता है। सांसारिक तथा स्वर्गीय सुखों की इच्छा का परित्याग कर देना वैराग्य कहलाता है। दृष्ट और श्रुत दोनों प्रकार के भोगों की वासना का उदय न होना ही वैराग्य है। विवेक से मन पराकाष्ठा पर पहुंचता है और उसी अवस्था में वैराग्य द्वारा उसका संतुलन होता है। विवेक से यदि वैराग्य उत्पन्न नहीं होता तो उससे मन चिड़चिड़ा, क्रोधी, अधीर तथा अत्यधिक उत्तेजित हो जाता है। इसीलिए जीवन की परिपूर्णता का भाव परिपूर्ण रूप से करते हुए उसके प्रति आसक्त न होना ही उत्तम कोटि का वैराग्य है। इसके द्वारा ही सात्विक कार्य संपन्न हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में वैराग्य को मनोनिग्रह का उपाय बताया है। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र में कहा है कि अभ्यास वैराग्याभ्यं तन्निरोधः, अर्थात वैराग्य के अभ्यास से मन का निरोध होता है। अभ्यास से उद्धृत मन वश में होता है। वैराग्य से उसे निर्मल, कोमल और शांत बनाया जा सकता है। इस प्रकार ज्ञानियों की साधना में इहलौकिक तथा पारलौकिक भोगों से वीतराग होना ही वैराग्य है। अब तीसरी जो अवस्था है इसमें वो है षट संपत्ति। षट संपत्ति अर्थात शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। तो सर्वप्रथम हम शम के बारे में चर्चा करेंगे। शम चेतना के विकास में मन का निग्रह करना साधना के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आंतरिक इंद्रिय अर्थात मन का निग्रह कर लेना शम कहलाता है। मन के निग्रह मात्र से समस्त इंद्रियों का शमन हो जाता है। ऋग्वेद में कहा गया है वह मन ज्योति रूप है, भौतिक ज्योति रूप नहीं किंतु सूक्ष्म दिव्य ज्योति स्वरूप है। वह तेजस्वी
वेगवान है और सुंदूर देश देशांतरों तथा लोक लोकांतरों में गमन करने वाला महाबलवान है, परंतु वश में किए जाने पर सधे हुए घोड़े के समान आनंददायक तथा गंतव्य स्थान तक ले पहुंचाने वाला भी बन जाता है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, असंशयम महाभाहो मनोदुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च ग्राह्यते। अर्थात हे महाबाहु अर्जुन, निश्चय ही वह मन बड़ा चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य के द्वारा उसे वश में किया जा सकता है, इसमें किंचित मात्र संशय नहीं है। अभ्यास और वैराग्य ऐसा साधन है जिसके बल पर वायु से भी तीव्र मन को निग्रह करना संभव हो जाता है। दूसरा है दम। दम अर्थात दमन करना, इंद्रियों को अपने विषयों से पृथक कर स्थिर रखना दम कहलाता है। दमो नाम बाह्य इंद्रिय निग्रह अर्थात चक्षु जीवा कर्ण आदि बाह्य इंद्रियों का निग्रह करने का नाम दम है। अगला है उपरति। उपरति अर्थात उदासीन भाव धारण करना, इंद्रियों को विषयों से हटाकर सभी कामनाओं से मुक्त हो जाना ही उपरति है। दूसरे शब्दों में अपने सभी कर्म फलों को त्याग कर अनासक्त भाव से कर्म करते हुए बाह्य और ब्रह्म चिंतन में केंद्रित होना ही उपरति कहलाता है। इस प्रकार समस्त विषयों के प्रति अनुराग को परित्याग कर अपने चित्त को स्वस्थ बनाकर अंतरात्मा में स्थिर करना उपरति है। अगला है तितिक्षा। तितिक्षा अर्थात सुख दुख आदि द्वंद्वों को प्रसन्नता पूर्वक सहन करना। शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान आदि द्वंद्वों को धैर्य पूर्वक सहन कर लेना ही तितिक्षा कहलाता है। तितिक्षा की अग्नि में तपकर शरीर और मन निर्द्वंद होते हैं तथा समत्व का परम लाभ प्राप्त करते हैं। अगला है श्रद्धा। श्रद्धा वह प्रकाश है जो आत्मा की सत्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए मार्ग को दिखाता रहता है। जब भी मनुष्य एक क्षण के लिए लौकिक चमकदमक कामिनी और कंचन के लिए मनोग्रस्त होता है तो माता की तरह ठंडे जल से मुंह धोकर जगा देने वाली शक्ति श्रद्धा ही होती है। सत्य के सद्गुण ऐश्वर्य स्वरूप एवं ज्ञान की जानकारी अपनी बुद्धि से नहीं मिलती, उसके प्रति सविनय प्रेम भावना विकसित होती है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। वेद वेदांत और गुरुवाक्यों में दृढ़ निष्ठा एवं अटल विश्वास होना श्रद्धा है। श्रद्धा तभी उत्पन्न होती है जब मनुष्य पूर्णतया संशय रहित होता है। संशय आत्मा का कभी उत्थान नहीं होता, वरन पतन हो जाता है। श्रद्धा क्षणिक भावुकता या आवेश का नाम नहीं है, वरन यह साधना की कठिनाइयों को झेलने की कसौटी है। आवेशपूर्ण श्रद्धा से जीवन में कोई विशेष लाभ नहीं होता, किंतु जो लोग दृढ़ता पूर्वक साधना की कठिनाइयों को सहन करते रहते हैं उनकी श्रद्धा और भी तेजस्वी बनती है और मन तथा इंद्रियों पर संयम करना आसान हो जाता है। अगला है समाधान। मल विक्षेप तथा आवरण से रहित चित्त की एकाग्रता को समाधान कहते हैं। चित्त के मलों का परिमार्जन करके विशुद्ध चित्त से ब्रह्मचिंतन अर्थात ब्रह्म ध्यान का अभ्यास करने से शीघ्र ही समस्त उपद्रव शांत होकर ब्रह्मानंद का अनुभव साधक को होने लगता है, इसी को समाधान कहते हैं। अगला और अंतिम साधन है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व अथवा मोक्ष प्राप्त करने की तीव्र इच्छा आदि भौतिक
आदि दैविक तथा आध्यात्मिक त्रितापों से मुक्त होकर मोक्ष रूपी अमृत पद को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा का होना मुमुक्षुत्व कहलाता है। यह लौकिक सुखों की क्षणिकता, संसार की अनित्यता तथा वैश्विक चिंताओं की दाहकता को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए जब चित्त उन विषय पदार्थों से उन्मुक्त हो जाता है, तब तीव्र वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। यह वैराग्य की स्थिति ही मानव के अंतःकरण में मोक्ष प्राप्त करने की उत्कट इच्छा का जन्म प्रदान करती है। इसी अवस्था को मुमुक्षुत्व कहते हैं। अंतरंग साधन। ज्ञानियों के अंतरंग साधन तीन है, श्रवण, मनन एवं निधिध्यासन। ये तीनों मानव चेतना तथा आत्मस्वरूप को जानने का प्रमुख साधन है। इसकी महत्ता को बताते हुए बृहदारण्यक उपनिषद में महर्षि याज्ञवल्क्य ने अपनी भार्या मैत्रेयी को उपदेश देते हुए कहा है कि आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, अर्थात आत्मा के विषय में ही श्रवण करना चाहिए, आत्मा के विषय में ही मनन करना चाहिए तथा आत्मा का ही निधिध्यासन करना चाहिए। इसमें सर्वप्रथम हम श्रवण के बारे में चर्चा करेंगे। ज्ञानियों का प्रथम अंतरंग साधन श्रवण है। मानव जीवन का चरम लक्ष्य आत्मा का साक्षात्कार करना तथा मोक्ष की प्राप्ति करना है। आत्मा कोई अलभ्य तथा अलौकिक और अद्भुत पदार्थ नहीं है, प्रत्युत प्रत्येक प्राणी अपने भीतर अंतर्यामी आत्मा के रूप में उसी की साधन निधिध्यासन है। श्रवण तथा मनन का उपयोग तभी हो पाता है जब उसका निधिध्यासन किया जाता है। आत्मज्ञान के लिए यह आवश्यक होता है कि जब तक साक्षात्कार ना हो जाए तब तक निरंतर निधिध्यासन की आवृत्ति की जाए। यह प्रक्रिया उस समय तक चलती रहती है जब तक ब्रह्म का साक्षात दर्शन नहीं हो जाता। जिस प्रकार धान से चावल को पृथक करने के लिए उसे तब तक कूटा जाता है जब तक कि चावल धान से अलग नहीं हो जाता, उसी प्रकार श्रवण मनन के पश्चात निधिध्यासन की प्रक्रिया तब तक निर्बाध रूप से अनवरत चलती रहती है
जब तक कि ब्रह्मज्ञान रूपी फल प्राप्त नहीं हो जाता। निधिध्यासन उस अवस्था को कहते हैं जब ब्रह्म का ध्यान करते ही समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी संगम में डुबकी लगाने वाला साधक अपने जीवन के मूल स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। जब निधिध्यासन के निरंतर अभ्यास से परब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है, तब अगले पापों के साथ कोई संबंध नहीं रह जाता। सभी पाप ज्ञान रूपी अग्नि में दग्ध हो जाते हैं। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है कि ज्ञान योग के अनुसार जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान हो जाना ही मोक्ष है। दूसरे शब्दों में आनंदात्मक ब्रह्म प्राप्ति और शोक निवृत्ति ही मोक्ष है। ज्ञान योग के अनुसार यह तभी संभव है जबकि जीव और ब्रह्म की एकता की अवस्था सिद्ध हो जाती है। जीव जो अज्ञानवश अपने को जीव मानता है वास्तव में ब्रह्म ही है और ब्रह्म को जानने पर तद्रूप हो जाता है। अतः ब्रह्म भाव की स्थिति में होने ही मोक्ष कहलाता है। ब्रह्म भाव की स्थिति को प्राप्त करना ही ज्ञान योग की साधना का लक्ष्य है। जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य को अज्ञान से मुक्त कर देने पर होती है। धन्यवाद। अगली वीडियो में हम कर्मयोग के बारे में चर्चा करेंगे।